हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो कि फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था तो वो पढ़ लिया था बच्चों। और ये हम लोग अब सेकेंड चैप्टर देखने जा रहे हैं जो कि हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, नीट जेई मेंस और आईआईटी के लिए। और इसमें जो कि क्यूक, इससे जो कि हमारा क्यूक रिवीजन हो जाए, जो फॉर्मूला है वो सब देखेंगे बच्चों। ये फुल चैप्टर हो गया और इसमें हम लोग जो कि केमिस्ट्री फॉर्मूला केवल इसमें हम लोग देखेंगे, जो कि शॉर्ट वीडियो हम लोग शॉर्ट लेक्चर बनाएंगे जो कि केवल इसमें फॉर्मूला हो, जो कि हमारा जो लास्ट समय होता है जो कि नीट जेई मेंस आईआईटी को जो तैयारी होता है उसके लास्ट में हम लोग को जो कि जो मेनली जो फॉर्मूला उस पर जो अच्छे से फोकस हो सके, अच्छे से जो तैयारी रहे बच्चों। तो जो सेकेंड, अब हम लोग सेकेंड चैप्टर जो कि सॉल्यूशन का, हम लोग जो फॉर्मूला जितने भी सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े हैं उसमें जितने भी सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो केवल इसमें लिखेंगे, इसमें केवल हम लोग फॉर्मूला ही देखेंगे बच्चों। तो बता दें, माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और इसी तरह से आगे हम भी आप लोग को लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे अगर इसी तरह से आपका सपोर्ट मिलता रहा बच्चों। तो और जो कि माइनर स्टडी का बेल आइकन बटन है उसको दबाना ना भूले बच्चों। और जो समय है ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए हम लोग जो कि स्टार्ट करते हैं, जो फॉर्मूला सब है बच्चों वो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर में जो फॉर्मूला आता है पहले वो स्टार्ट करते हैं, जो कि नॉर्मलिटी हो गया। पहले हम लोग नॉर्मलिटी का देखते हैं, जितने भी फॉर्मूला है वो हम लोग लिखते हैं बच्चों। नॉर्मलिटी जो कि एन से डिनोट होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है जो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। और इसमें जो कि बाई जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला होता है। ये याद रहेगा बच्चों, तभी जो इस पर जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा जो क्लियर हो पाएगा। तो ये नॉर्मलिटी हो गया। और आगे मोलरिटी का देखते हैं, मोलरिटी एम से डिनोट होता है और मोलरिटी का हो जाएगा जो कि नंबर ऑफ मोल्स। मैं हज़ार बार बता चुका हूँ बच्चों कि इसमें हम लोग जो छोटा लेक्चर बनाएंगे इसमें केवल फार्मूला हो, कि जो भी हम पढ़े हैं सॉल्यूशन में उसका जो शॉर्ट में जो उसका जो फार्मूला होता है वो इसमें लिखेंगे और उसको ध्यान रखेंगे, तभी हमारा जो क्वेश्चन है, अगर फार्मूला नहीं याद रहा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए पहले जो बेसिक होता है फार्मूला, जो बेसिक जो फार्मूला हो गया और जो बेसिक नॉलेज होता है इसका उस हम वो लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इससे हमारा जो एक्यूरेसी और टाइम जो क्वेश्चन बनाने का वो बहुत बढ़ेगा हमारा और जल्दी सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन जो लीटर में होता है तो लीटर लिखेंगे। और आगे देखेंगे जो कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी और इसका है, तो यहीं पे लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन जो कि मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी के बीच में जो रिलेशन है वो, तो यहाँ नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। और ये हो गया। और इसमें आगे देखेंगे तो यहाँ तक जो रिलेशन बिटवीन जो मोलरिटी और नॉर्मलिटी है ये देख लिए बच्चों, जो कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू जो वैलेंस फैक्टर है वो लिख सकते हैं। और आगे देखेंगे जो कि परसेंटेज बाय मास वेट वाई डब्लू, इसका आगे हम लोग देखते चलेंगे तो हमारे आगे क्लियर होते जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ये छोटा और ये कैपिटल डब्लू हो गया बच्चों। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि मास ऑफ
सॉल्यूट जो कि ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम में बाई मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में इनटू 100। और आगे हम लोग जो कि फॉर्मलिटी का देखेंगे, फॉर्मलिटी जो कि एफ से डिनोट होता है, और फॉर्मलिटी का फॉर्मूला जो कि मास ऑफ, ये डायरेक्ट लर्न करना है बच्चों, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। मास ऑफ, ये हमारा फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएगा जो वो बनेगा, जो कि नीट में तो लगभग इसी पर आता है, लेकिन जो जी मेन्स है IIT उस पर इसको ही तोड़ घुमा कर घुमाओ मोड़ उड़ कर पूछा जाता है। तो अगर ये याद है तो उसे, और इसके जो इर्द गिर्द होगा वो हम बना सकते हैं। इसलिए पहले फॉर्मूला ध्यान रखे बच्चों, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में होगा, और उसके बाद इसी में आगे इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में होता है, यही इसके आगे हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया, तो फॉर्मलिटी एफ मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मलिटी तक देख लिया बच्चों। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये फॉर्मलिटी हो गया, और हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एस हो गया, इसको एस से डिनोट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें जो किसका होगा जो कि मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में होता है। और यहाँ स्ट्रेंथ, अब हम लोग जो कि रिलेशन है, रिलेशन भी जो आगे पीछे जो है उसका देखते चलते हैं, जो कि एम इंटू एक्स हो गया, एंड तो जो इसका रिलेशन हो जाएगा एक्स एक्स बी बाई एक्स ए इजकल टू स्मॉल एम इंटू एम मॉलिकुलर वेट ऑफ ए हो जाएगा बाई जो कि 1000 है उसे डिवाइड हो जाएगा। और तो यहाँ देख लिया, अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों, ये केवल लेक्चर जो कि नीट IIT जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है जो इसमें हम जो चैप्टर है बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े उसका जो केवल फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पर जो लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कि रिलेशन बिटवीन एम एंड ए एक्स तक देख लिया था, अब हम लोग जो कि आगे देखेंगे जो कि परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम हो गया, जो कि इसका डिनोट क्या होता है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम इससे, और इसमें जो कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा जो कि मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन जो कि मिलीलीटर और इनटू 100, ये हमारा मास ऑफ वॉल्यूम, ये हो गया मास ऑफ वॉल्यूम। और आगे जो कि PP ये था मास ऑफ वॉल्यूम जो कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और PPM बाय मास, इसका जो फॉर्मूला होता है PPM बाई मास का, जो कि मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप जो इसका लेक्चर वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल जो कि इनटू दिवा सिक्स होगा, जो केवल फॉर्मूला हम लोग यहाँ देख रहे, इसलिए मैं ज़्यादा दूसरे चीज़ में व्यस्त नहीं होऊंगा और समय नहीं बर्बाद करूंगा बच्चों। और आपको जो नहीं आ रहा सॉल्यूट क्या होता है सॉल्यूशन, तो आप इसका लेक्चर देख सकते हैं जो कि यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है बच्चों, वहाँ पे उपलब्ध है। आगे हम लोग देखते हैं PPM बाई जो कि वॉल्यूम हो गया, इसमें हम लोग लिखेंगे PPM बाई वॉल्यूम में, जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
ओ इन टू टेन टू दावर सिक्स हो गया, टेन टू दावर सिक्स। और आगे हम लोग देखेंगे जो कि ये मास ऑफ वॉल्यूम देख लिया, ppm बाई मास देखिए, ppm बाई वॉल्यूम देख लिया, और एक और है जो कि ppm बाई वेट बाई वॉल्यूम या मास बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम या मास बाई वॉल्यूम, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा जो कि इसका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम हो गया, और बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml इनटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो सभी में जो है बच्चों ऊपर तो सॉल्यूट है और नीचे हम लोग का केवल ध्यान रखना है, जैसे मास हो गया तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये आपको अपने यानी जो दिमाग है उसमें बैठा कर रखना है। एक ट्रिक के साथ बता सकते हैं बच्चों, जैसे ppm हो गया, सभी में जो है वॉल्यूम ऑफ, जैसे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो सभी में ऊपर जो कि सबसे ऊपर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो गया, यहाँ देख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट, पीछे भी हमने पढ़ा था जैसे मास वॉल्यूम है तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, और नीचे जो लिखेंगे तो नीचे जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि सभी में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा मास होगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ये मैं ट्रिक बता दिया हूँ बच्चों कि ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो ये था, अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, ये कुछ फॉर्मूला था, और अगले लेक्चर में हम फिर बात करेंगे बच्चों। तभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। हम लोग छोटा छोटा लेक्चर बना रहे हैं जो कि फार्मूला अच्छे से याद हो इसीलिए, और तो इसी तरह से प्यार देते रहिए बच्चों, और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से इसको सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते रहें, और जो कि इसका बेल आइकन बटन है माइनर स्टडी का बच्चों, उसको जो क्लिक है करना ना भूले, क्योंकि इसी से आपको जो नोटिफिकेशन और आगे का जो लेक्चर है जो आगे का मैं डालूंगा वो आपको मिलता रहे, इसलिए जो माइनर स्टडी का जो नोटिफिकेशन है या बेल आइकन बटन बोलते वो दबाना ना भूले बच्चों। तो फिर से हम लोग अगले लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों।